हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, केम छो, बदा मजा मने। तो गाइस, आज है 1 सितंबर और मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ गई हूँ, क्योंकि रात को मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था तो मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया। आज सुबह जल्दी उठ के व्लॉग एडिट कर रही हूँ। व्लॉग अपलोड करने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस, ये है मेरा डाइट फूड। एक्चुअली वो पाव वहाँ नहीं होने चाहिए, दे आर क्वाइट क्विक कार्ब्स और अच्छे नहीं होते, पर आज डे वन है तो फिलहाल जो कार्ब्स घर पे हैं अवेलेबल वही चला रहा हूँ। 2 दिन पहले आपने ब्लॉग में देखा था पाव भाजी का ही, उसके बचे हुए थे वो खत्म कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो क्या होना चाहिए, क्यों कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग द डाइट फॉर 555th टाइम, बराबर, ठीक है। तो 555वीं बार की डाइट शुरू हो रही है इस बार। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन अभी लगी है बहुत जबरदस्त भूख, क्योंकि मैं अभी आया हूँ जिम से, ये खत्म करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखो, तो गाइस ब्रेकफास्ट खत्म और यहाँ से हमारी डाइट जो है शुरू होती है। तो हम जा रहे हैं ऑफिस, वी आर ऑलमोस्ट रेडी, 12 बज गए हैं, अब सीधा 7-8 बजे ऑफिस खत्म होगा और तब आपको मिलेंगे, क्योंकि ऑफिस की बकवास सुना के आपको बोर करना नहीं, तो मिलते हैं। तो गाइस, अभी हो रही है 1:25 और मैं जा रही हूँ एक्टिवा को सर्विस पे देने के लिए। दूसरे लोग तो अपनी गाड़ी की सर्विस को याद रख के सर्विस पे देते हैं कि अब सर्विस कराने का टाइम आ गया है, और हम जैसे लोगों को कॉल करके बुलाया जाता है कि आपकी गाड़ी की सर्विस का टाइम हो गया है तो आप आ जाओ। मैं जब उज्जैन में थी तो मुझे 2 बार कॉल आया कि आप एक्टिवा की सर्विस के लिए आ जाओ। मैंने कहा अभी मैं नहीं हूँ, मैं जब आऊँगी तब एक्टिवा सर्विस पे डालूंगी। तो अभी मुझे आए को 2-3 दिन हो गए, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और फाइनली आज दोपहर में मुझे थोड़ा टाइम मिल रहा है तो मैं जा रही हूँ एक्टिवा को सर्विस पे देने। A few moments later. Guys, एक्टिवा की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, मैं एक्टिवा को लेके घर आ चुकी हूँ। अभी हो रही है 6:00, अभी शाम का काम निपटाते हैं जब तक पार्थ आ जाएगा। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जो हम आपको बताते हैं पार्थ के आने पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, जैसा मैंने लास्ट सीन में बोला था, मैं क्लास के बाद मिलता हूँ, तो मैं क्लास के बाद घर पे आ चुका हूँ। बज रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 7:30 और मैं घर पे आया तो नेहा मैडम का कुछ कुकिंग चल रहा है। मैम, ये क्या है, छोटे छोटे आलू, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? बेइज्जती नहीं करो, छोटे छोटे आलू बोलती। तो क्या करें, बेइज्जती क्या है उसमें, छोटे आलू होना खराब चीज़ है क्या? है, छोटे लोगों को बुरा समझते हो तुम? नहीं 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 नहीं। तो फिर ये क्या है? बेबी पोटैटो। आज हमारे घर एक सेकेंड बेबी पोटैटो और छोटे आलू में क्या फर्क है हिंदी और इंग्लिश का, बताओ क्या बन रहा है? हमारे घर पे रखे हुए थे छोटे छोटे आलू, तो हमने सोचा कुछ नई डिश ट्राई करते हैं। तो हमने कुछ बनाया, आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। कुछ बनाया मतलब क्या बनाया? इटालियन पोटैटो। यार, यूट्यूब पे व्लॉग डालता हूँ पर हम लोग खाते भी यूट्यूब से ही हैं। यूट्यूब पे देखा नहीं? हाँ, मुझे पता था यूट्यूब पे देखा होगा, ऐसी चीज़ें यूट्यूब से ही मिलती है। हमारे यहाँ पर कभी नहीं बने इटालियन पोटैटो, इसलिए तो बन रहा है। क्या बन रहा है? इटालियन पोटैटो। तीन जनों के सबके लिए अलग अलग खाना बन रहा है। पापा, मैं और पूर्वी दीदी के लिए बन रहा है इटालियन पोटैटो, दादी के लिए बन रहा है जीरा आलू, और पार्थ के लिए बना है सोया चंकुरी। इटालियन पोटैटो नहीं, पनीर। तो गाइस, हमारा डिनर हो चुका है कंप्लीट और अभी मैं रूम में आई हूँ और पार्थ वीडियो देख रहा है। अब हम उनसे पूछते हैं हमारी प्रॉब्लम के बारे में। पार्थ वीडियो नहीं, पार्थ जैसे ही नेहा ने व्लॉगिंग करना शुरू किया, पार्थ का वीडियो पॉज, ये कोई वीडियो नहीं देखा पार्थ। ये झूठ बोल रहा है, अभी देख रहा था, 2 मिनट बस व्लॉग के लिए बंद करा, जैसे ही मैं मोबाइल रखूंगी वैसे ही चालू हो जाएगा। पार्थ इज नॉट वॉचिंग एनी वीडियोस। अच्छा, इतना सारा झूठ। पहले मेरे को ये बताओ कि मैंने दोपहर में मैसेज किया था तो उसको कौन देखेगा? मैसेज क्यों नहीं देखा मेरा? पढ़ा रहा था। सुबह 12:30 से शाम की 7:30 घर आया, 1 मिनट का टाइम नहीं मिला कि मेरा मैसेज पढ़ ले कि मैंने क्या करा है, क्या मैसेज करा है। कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो ही मैसेज करती हूँ। मेरा फ़ोन सुबह से नहीं चल रहा है, ना उस पर फ़ोन आ रहा है, ना फ़ोन इधर से लगा रहे तो आ रहा है, OTP भी नहीं आ रहा है। मैं सर्विसिंग पे गई थी एक्टिवा की सर्विसिंग के लिए तो उस पर OTP भी नहीं आ रहा है, तो मैंने दूसरा मोबाइल नंबर दिया, उस पर फिर OTP आया और फिर मैंने अपना काम कंप्लीट किया। इसको इतना भी टाइम नहीं है कि मेरा मैसेज देख ले 2 मिनट के लिए। मैं आपका मैसेज भले मैंने नहीं देखा हो, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ। पर पहले ये बताओ कि मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा? इसका जवाब दो। मैं गलती से अपना जॉब कर रहा था, काम कर रहा था। अच्छा,
उसमें हंसने की क्या बात है? गलती से अपने जॉब कर रहा था, मतलब तेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर रहा था ऐसा। 12:30 to 7:30 में एक मिनट तो बच्चे इधर उधर गए होंगे ना, ऐसा तो नहीं है बच्चे दो मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं उठ हुए कि मोबाइल नहीं उठाया। एक मिनट, इसका जवाब है मेरे पास। बच्चे इधर उधर जाते हैं और मेरा काम होता है कि बच्चों को इधर उधर नहीं जाने, तो मैं ही इधर उधर देखूंगा तो बच्चे तो और मजे। हाँ हाँ सर, देखो फोन। ठीक है, इससे कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं जीत सकता। हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही बहस करते रहते हैं। ऐसे ही बहस करते करते रात हो जाएगी, पहले ही नींद आ रही है मेरे को तो। अभी मेरा सिर दुख रहा है, कल से जब से मैं गिरी हूँ ना तो मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पर आके बैठी हूँ, अभी मैं बस आके थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी हूँ और मेरा सिर दुख रहा है, ऐसे नींद आने लग गई है। चलो अभी फोन की समस्या सॉल्व करते हैं, पहले प्रॉब्लम मोबाइल की सॉल्व करते हैं। ऐसे तो मम्मी ने भी बोला था कि डॉक्टर को दिखा देना, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो दिखा देंगे। अभी देखते हैं। और आज मतलब कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होने का वेट कर रहा है? ऐसा गिर पड़ जाओगे तब दिखाओगे डॉक्टर को? जब चक्कर वक्कर खा के नहीं। अरे इसमें पावर का बटन कहाँ है यार? ये अजीब होते हैं यार वीवो के फोन। पावर बटन नया दिला दो। ला दूंगा, पर इसमें पावर बटन कहाँ है भैया? अरे यार भाई साहब, अगर गलती से ये मोबाइल अभी ठीक हो गया तो मेरे को बहुत सारा सुनने को मिलेगा और फिर मिला जाएगा हर समस्या का हर। प्रार्थना कर। गलती से मोबाइल ठीक नहीं होगा, प्रयास करे इसीलिए ठीक होगा। ठीक है, होगा तो इसीलिए दिन भर से मैसेज कर रही थी, अभी देख रहे थे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। मैंने करा था, नहीं हुआ था। तूने ये ट्राई किया था सिम निकाल के करने का? मैंने पावर ऑफ करके ऑन कर दिया। नेटवर्क बंद करके, पहले नेटवर्क बंद करने का, फिर नेटवर्क चालू करने का, फिर नेटवर्क बंद करके ऑफ करने का, फिर चालू करके नेटवर्क चालू करने का, फिर सिम निकाल के रीसेट करने का। और पढ़ी हुए पढ़ी गई। आज की हमारी प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व, तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अरे भाई मेरा क्रेडिट कौन देगा यार? प्रॉब्लम सॉल्व करी है मैंने, ठीक है? हाँ, तेरा क्रेडिट कार्ड लौटा देंगे हम, मेरे पास रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमारा व्लॉग हम एंड करते हैं। मैं हूँ पार्थ और ये है नेहा, और हम रोज छोटी मोटी ऐसी कहानियां लाने की कोशिश करते हैं। अगर रोज कहानी सुनना चाहते हो हमसे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो। अच्छा ऐसे बोलो। अच्छा तो काले मड़िए, अने जो चैनल गमे तो सब्सक्राइब जरूर करजो। बाय।